आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के बाईसी अंचल के निकट RTPS काउंटर पर आम ग्रामीण ग्वाय निवास जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड ऑनलाइन करने में परेशानियां हो रही है। जब से RTPS काउंटर पर सरकार की तरफ से 15 तारीख से आदेश हुआ था कि सभी सर्टिफिकेट फॉर्म ऑनलाइन ही जमा होगा, तब से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक घंटा से लेकर डेढ़ घंटे तक का समय लग जाता है। RTPS कर्मी से बात करने पर बताया कि बिहार सरकार 15 तारीख से आदेश जारी किया है कि आय जाति निवास और राशन कार्ड के फॉर्म ग्रामीण द्वारा ऑनलाइन ही भरा जाएगा। एक फॉर्म में कम से कम एक से डेढ़ घंटा समय बीत जाता है। सर्वर डाउन रहने के कारण कई बार जिलाधिकारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और RTPS विभाग को आवेदन RTPS कर्मी के द्वारा भी दिया गया है, लेकिन फिर भी नेट की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। लोगों ने बताया कि एक फॉर्म जमा करने के लिए 5 से 6 दिन चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी फॉर्म हाथों पर ही रह जाता है और जमा नहीं हो पाता। ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग गरीब हैं, रोज मजदूरी छोड़कर कैसे अंचल और प्रखंड का चक्कर काटते रहेंगे। बिहार सरकार को आम जनता की सुविधा अनुसार ही कोई कदम उठाना चाहिए। लोगों का यह है सर, 4 दिन तक आदमी सिस्टम ऑफ है, नेट काम नहीं कर रहा है, तो जैसे आदमी बार बार अपना घर का काम छोड़ छाड़ करके आना पड़ता है, आदमी आकर के बैठ के रहता है 4 घंटा 5 घंटा, काम फिर भी नहीं हो पाता, क्या करेंगे बताइए, आप ही बताइए। अच्छा, ये किस लिए लोग यहाँ पे जमा हुआ है, यहाँ पर भीड़ भर लगा हुआ? कोई आदमी राशन कार्ड में नाम चढ़वाने के लिए, नया नाम जो नाम जिसका छुटा हुआ है, और दूसरा काम अभी अब राशन कार्ड अब जब बनेगा नया, जिसका भी ज्वाइंट करवाना है, तो बोले निवासी ज़रूरी है हर हाल में, बोले निवासी, पहले निवासी नहीं लगता, पहले ऐसे ही हो जाता था। काम क्या है यहाँ पर निवासी बनाने के लिए? क्या 6 दिन से नंबर नहीं लगा दी, निवासी बना के क्या कीजिएगा? आदिवासी बनाने के लिए कब से आ रही है यहाँ पर? नंबर नहीं लगा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? आपको क्या कहता है? लिंक के बारे में बताइए। कितना दिन से यहाँ आ रहे हैं? 5 दिन से आ रहे हैं। क्या बनाने आए हैं? आदिवासी बनाने आए हैं। क्या क्या समस्या हो रहा है सर? क्या क्या समस्या हो रही है? यहाँ पब्लिक बहुत देर से, बहुत लंबी लाइनें खड़ी है, बहुत देर तक सर्विस प्लस आ गया, इसके कारण परेशानी हो रही है। और नया सॉफ्टवेयर आया, नया सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हो गया। अच्छा, वो उसके कारण तो पहले अधिकार में था तो आवेदन स्मूथली लिया था, सॉफ्टवेयर था ऑफलाइन, ऑनलाइन होने के बाद ये सर्विस डाउन रहता है, कभी लिंक पर रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जो कि 1 घंटे में 1 या 2 आवेदन मुश्किल से हो पाता है। इससे पहले आवेदन का स्थिति कैसा था, कितना लिया जा रहा था? इससे पहले आवेदन का स्थिति बहुत अच्छा था, मतलब ऑफलाइन होता था आवेदन, आदमी आता था, नेट रहे न रहे आवेदन हो जाता था। अब ये स्थिति है कि नेट रहेगा आपका प्रॉपर वे में, उसमें स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका आवेदन हो पाएगा। इस रिमोट एरिया में बताइए आवेदन कैसे हो पाएगा, इस रिमोट एरिया में इतना MPS अभी क्या क्या स्थिति है, पहले और अभी की तुलना में क्या स्थिति है सर? पहले कितना हो पा रहा था और अभी कितना हो पा रहा है? पहले आपका आवेदन पे था, जितना आवेदन करता था हो जाता था, शाम तक में 3 घंटे में हो जाता था। अभी तक में कि मुश्किल से 10 या 20 आवेदन हो पाता है। अच्छा, वो भी कंटिन्यू बैठे अगर लड़का तभी हो पाएगा, वो कभी उसमें भी फिर नेट फेल का प्रॉब्लम आता है, कभी साइट का प्रॉब्लम आता है। तो इस समस्या को लेकर हम लोग लिखे हुए हैं, हम लोग हाँ पदाधिकारी को लिखे हुए हैं, आज एडीएम सर और एसडीओ सर सब आए थे। अच्छा, ये क्या ये नेट वाला समस्या कब से हो रही है? 15 तारीख से ही ये लॉन्च हुआ है, 15 दिसंबर से सर। एक क्या समस्या है जो आवेदन, कितना आवेदन लिया जा रहा है दिन भर के अंदर? दिन भर के अंदर 10 से 15 आवेदन बहुत हो गया। अच्छा, कभी कभी सर्वर ही नहीं जाता है। अच्छा, इस समस्या को लेके कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन डाले हैं अभी तक? हम लोग जिला लिखे हुए हैं और SDO सर को भी इसके विषय में जानकारी दी गई है, आगे DM सर भी आए थे और SDO सर भी आए थे, उन दोनों को जो है बताया गया है इसके विषय में, सर ने आश्वासन दिया है कि सर वो बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले RTPS में आवेदन कितना लिया जा रहा था दिन भर के अंदर?
इससे पहले अधिकार सॉफ्ट था जिसमें 100 या 100 प्लस आवेदन पर डे गिरता था और इस ब्लॉक की कैपेसिटी है उतना। आज अभी जो है राशन कार्ड के कारण जो है आवेदक लंबी लाइन में रहते हैं, लेकिन सर्वर नहीं रहने के कारण चाहे किसी तरह का तकनीकी खराबी के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे। 10 से 15 आवेदन दिन भर में जमा हो रहा, 10 से 3 बैठेंगे तो 10 से 15 आवेदन।